हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल प्रजापत और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग वेटेज वाइज चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका वेटेज ज़्यादा होगा उसको पहले। तो अभी हम लोग दो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक साथ। एक तो है बेसिक मैथ, जो कि आपका टाइम खाएगा थोड़ा, इसलिए मैं साथ साथ, क्योंकि इसका वेटेज नहीं होता, बस ये फिजिक्स को समझने के लिए ज़रूरी होता है। बेसिक मैथ कंप्लीट तो फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाता है। तो बेसिक मैथ के लेक्चर भी साथ में आएंगे और वेटेज वाइज चैप्टर सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो होता है मॉडर्न फिजिक्स का। तो स्टार्टिंग में हमें इसे बहुत अच्छे से समझना है कि मॉडर्न का वेटेज होता है 5 क्वेश्चन का। उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लो या फिर थर्मोडायनेमिक्स ले लो। थर्मोडायनेमिक्स जो कंप्लीट होती है उसके भी 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो जो चैप्टर हैं इनको हमें अच्छे से करना पहले। तो हम लोग मॉडर्न से आज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न से। मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि ये फिजिक्स अभी 2020 में स्टार्ट होगी या 2019 में स्टार्ट होगी। ये करीब, मतलब कब से स्टार्ट होगी मान सकते हो आप, 1980s या फिर इतना मानोगे? नहीं, ये फिजिक्स बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, करीब 1900 से पहले, इससे भी पहले। तो मॉडर्न क्यों है? क्योंकि NLM वगैरह जो है फिजिक्स, वो थोड़ी ज़्यादा ही बोरिंग लगती है, इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ इसको अच्छा कह के, मॉडर्न कह के थोड़ा दिल खुश कर लेते हैं बस। इससे ज़्यादा इसमें मॉडर्न कुछ भी नहीं है। तो फिजिक्स कब से पहले की है? ये जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था वो एक्सपेरिमेंट हुआ था करीब 1887 में। ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है ये लर्न नहीं करने, लेकिन मैं बता दूँ मॉडर्न का मतलब मॉडर्न नहीं है। हमारा जो पहला चैप्टर है वो NCERT के अकॉर्डिंग है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। ठीक है, ड्यूअल रेडिएशन मतलब ड्यूअल नेचर। ड्यूअल का मतलब होता है कि दो नेचर है। आपको भी पता है ड्यूअल दो नेचर किसकी है? लाइट की। आपके भी तो दो नेचर होते हैं ना, कभी आपको गुस्सा आ जाता है, कभी आप बहुत शांत रहते हो। वैसे मतलब कब? जब आपको ज़रूरत पड़ती है। जब कंडीशन आती है गुस्सा करने की तो गुस्सा बहुत आता है, और जब कंडीशन आती है प्यार करने की, आराम से रहने की, तो और भाई क्या हाल है ना? तो वही लाइट का कंडीशन है, लाइट का हाल है। जिसको जहाँ, मतलब लाइट को जहाँ कंडीशन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेवल करेगी। अगर लग रहा है उसे पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करना पड़ेगा, तो वो पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, और लगेगा उसको वेव की तरह अच्छे से चल सकती है, तो उसे वेव की तरह चलेगी वो। यानी कि कंडीशन जैसी मिलेगी, जैसा मीडियम मिलेगा उसे, उसके अकॉर्डिंग वो बात करेगी। हमें भी यही मिलता है ना कि सामने वाला जैसा मिलेगा अपने को, वैसा हम लोग व्यवहार करते हैं। कोई कहता ना कि वो आदमी दोगले व्यवहार का है, दोगलापंती करता है, वैसे भी लाइट अपनी क्या है? दोगलापंती करती है। तो ड्यूल का मतलब क्या हो गया? दोगला, दो व्यवहार, दरअसल दो व्यवहार, दो बिहेवियर रखेगा। तो ड्यूअल का मतलब हो गया आपके पास में डबल नेचर, किसका? लाइट का। एक तो होगा वेव नेचर और दूसरा होगा पार्टिकल नेचर। ठीक है, जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो वाला व्यवहार तब दर्शा देगा। तो ठीक है, तो इंटर वेव के एक दो एग्जांपल बता देता हूँ मैं। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहाँ पर लाइट वेव के फॉर्म में चलती है, और जो इंटरफेरेंस होता है आपका, और एक होता है इंटरफेरेंस वगैरह होता है, डिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये फिनोमेना अगर करने होते हैं तो लाइट कैसे चलती है? वेव के फॉर्म में चलती है। जब लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना होता है, जब लाइट को कॉम्प्टन इफेक्ट करना होता है, जब लाइट को रोमन इफेक्ट करना होता है, तो ये पार्टिकल नेचर को दिखाती है। तो लाइट के नेचर हो गए अलग अलग, है ना? तो आपको ड्यूअल नेचर का समझ में आ गया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन मतलब एक एनर्जी है रेडिएशन, ओके, और मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। तो आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं मेन अपने फोकस पे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसकी डिस्कवरी जो की थी वो की थी हर्ट्ज ने। किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। वही हर्ट्ज जो हम फ्रीक्वेंसी के यूनिट के रूप में काम में लेते हैं। और इसके एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो किए थे हॉलवॉक्स एंड लेनॉर्ड ने, हॉलवॉक्स एंड लेनॉर्ड ने। और डिटेल स्टडी स्टडी और नोबेल प्राइज़ कौन खा गया इसका? वो खा गया आइंस्टाइन। ये सारी चीज़ें आप लिख रहे हो ना? ओके, तो कोई भी मेटल सरफेस लेते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग समझ रहे हैं। ये कोई मेटल है, जैसे सपोज करते हैं ये सोडियम मेटल है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं अगर लिखूँ तो 1s² 2s² 2p6 एंड 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, जो इजीली, जो टाइटली बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं? टाइट बॉन्डेड होते हैं। और ये है आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन्स, जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसा है? लूजली, ढीला बंधा है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, लेकिन इतना भी इजी नहीं निकल सकता कि अपने आप बाहर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए। तो इस मेटल को
इस मेटल के आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अगर हम थोड़ी एनर्जी दे दें, तो उस एनर्जी को पाकर ये इलेक्ट्रॉन बाहर से, अगर कोई एनर्जी आ जाए, रेडिएशन आ जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाए, ये क्या आई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई है। ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव आएगी, इसकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि इनको इलेक्ट्रॉन को मिलते ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मेटल सरफेस को छोड़कर इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे बहुत अच्छे से जल्दी, लेकिन अभी आपके लिए फिजिक्स स्टार्ट करना ज़रूरी था तो मैंने आपको कॉपी मोड कर लिया है। आपको मैंने भी नीट इसी साल दिया था, काउंसलिंग हो रही है मेरी, तो कॉलेज मिलने के बाद हम लोग आ जाएंगे इस मोड पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि सोडियम मेटल है, इसका लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको हम लोग थोड़ी एनर्जी दे दे, सफिशियंट एनर्जी दे दे, तो वो बाहर निकल जा सकते हैं। तो आइंस्टीन बोलता है कि एनर्जी आएगी किसके फॉर्म में, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में। ये एनर्जी ना ऐसे नहीं आती, एनर्जी के पैकेट्स आते हैं ऐसे, ठीक है ना, जिसको प्लांक ने समझाया था, है ना। पर आइंस्टीन भी कहता है कि एनर्जी आएगी, ये एनर्जी ई इक्वल्स टू एच न्यू के फॉर्म में आती है, ये प्लांक ने बताया था, है ना। तो एनर्जी कैसे फॉर्म में आई, ई इक्वल्स टू एच न्यू के फॉर्म में आई। तो एनर्जी जितनी भी आएगी मेटल सर्फेस पे, ये मेटल सर्फेस अगेन बनाया मैंने, और ये आई एनर्जी किस फॉर्म में, ई के फॉर्म में, ई इक्वल्स टू एच न्यू के फॉर्म में। तो एनर्जी जितनी भी आएंगी उसके दो यूज़ होंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जगाने में, जगाने में मतलब ये लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है, ढीले पड़े हैं, इसको जगाएंगे, हिलाएंगे कि भी बाहर निकल जा। जगाने में का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को जस्ट मेटल सर्फेस से बाहर निकाल के छोड़ देना। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो आई उसके दो यूज़ होंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जगाने में, तो इलेक्ट्रॉन को जगाने में जो एनर्जी यूज़ होगी उसको बोलते हैं फाई नॉट, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो क्या फाई नॉट क्या हो गया आपका, वर्क फंक्शन। डेफिनेशन देखेंगे हम इसकी, लेकिन फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन है। कभी कभी इसको एनसीईआरटी तो फाई नॉट बोलती है, लेकिन कभी कभी दूसरी बुक इसको डब्ल्यू नॉट भी बोल देती है। तो दोनों सिंबल एक ही चीज़ के, वर्क फंक्शन के। तो आने वाली एनर्जी कितनी आई, ई आई। उसके दो यूज़ हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन को जगाने में, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भगाने में। तो एनर्जी को भगाने के लिए, एनर्जी भगाने मतलब भागना, भागना मतलब काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स तो भगाने में कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो आने वाली एनर्जी के दो यूज़ होंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जगाने में, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भगाने में। याद करो, आने वाली एनर्जी के दो यूज़ होंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जगाने में तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को भगाने में। तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन तो समझते ना आप, कि पहले जितनी एनर्जी थी उतनी बाद में एनर्जी होगी। तो ई इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब होता क्या है कि यहाँ पर देखो, हमें तो हमारे तो यही काम की चीज़ है, लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल की बात करूँ, तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये मेटल थी, आपको बार बार मत नहीं बनाना, एक चीज़ बना लीजिए आपको, ये भी डायग्राम्स, ओके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, तो ये दो इलेक्ट्रॉन थे, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, आप कहोगे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ तो नहीं, यहाँ पर सोडियम के बहुत सारे एटम होंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे ना, तो आपस में कॉलिजन करेंगे, क्या करेंगे, कॉलिजन। तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो आपके कॉलिजन के फॉर्म में यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो वो एनर्जी भी आएगी। तो भाई, तो हम कहेंगे कॉलिजन एनर्जी, ठीक है। मेन इक्वेशन तो ये होगी जो बहुत अच्छी है। कभी कभी हमारे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इतनी परसेंट एनर्जी कॉलिजन में ख़त्म हो गई, तो हम थोड़े रुक जाते हैं, तो रुकना नहीं अपने को, ठीक है। तो मैं जो आपको येलो कर रहा हूँ ना, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ ST, शॉर्ट नोट्स। तो आपको एक तो ये सारे नोट करने हैं, और दूसरा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, खुद को ST लिखूंगा, वो शॉर्ट नोट्स में आ जाने चाहिए फॉर्मूले। लेकिन आइडियल कंडीशन में हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, आइडियल कंडीशन पढ़ते हैं। तो एनर्जी हम कहते हैं कि कोई भी तरह का कॉलिजन नहीं होता है, ठीक है। तो एनर्जी आएगी, उसके दो यूज़ होंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जगाने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन को भगाने में। तो हम लोग कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या है, कि कोई भी तरह का कोलिजन नहीं हुआ है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो ये बातें होती हैं। तो ई क्या होती है, ई होती है ई इक्वस टू एच न्यू, या फिर ई इक्वस टू SC बाई लैम्डा। ये फॉर्मूले आपको याद करने सारे, ठीक है, SC बाई लैम्डा। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, याद करना, एच इक्वल टू 6.67 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकेंड। यूनिट याद रखना, जूल इंटू सेकेंड है ये जो है ना, एच प्लैंक कांस्टेंट, ये नीट में एक बार पूछा गया है वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब एक ये हमारे ये तो अपना फॉर्मूला है, हो गया नॉर्मल। अब हमें न्यूमेरिकल्स में कौन से फॉर्मूला यूज़ लेना है, एनर्जी का फॉर्मूला लेना है, ई इक्वल टू 12^400, 12^400 अपॉन लेमडा। लेमडा को किस में लेंगे हम लोग, एंगस्ट्रम में, ठीक है। तो अपना एनर्जी का जो यूनिट आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जब भी अपने ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ लेंगे, इसको ST में करो शॉर्ट नोट्स में। और एनर्जी का फॉर्मूला एक और, 2×10^-25 अपॉन लेमडा मीटर में, ठीक है।
तो ये इतना यूज़ नहीं आएगा, इसको आप नहीं भी लिखोगे चलोगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो बार बार यूज़ आएगा, ठीक है, ये वाला इसको एस्टीमेट कर दो। तो एनर्जी जितनी भी आएगी उसके दो यूज़ होंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जगाने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन को भगाने में। आपको इलेक्ट्रॉन को जगाना भी है और बाद में भगाना भी है, तो एनर्जी के दो यूज़ हो गए। अब फाई नॉट, अब बात करते हैं फाई नॉट की। फाई नॉट क्या है? मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। मेटल, मेरी स्पेलिंग पे मत जाना प्लीज़, सरफेस से बाहर निकालने के लिए, निकालने के लिए। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। यहाँ पर मिनिमम वर्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनर्जी कैसी है? मिनिमम है, ठीक है। तो आपको बताएं फाई क्या है? एनर्जी है। तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल होगा, लेकिन जूल बहुत बड़ा यूनिट होता था। क्या होता था? बहुत बड़ा। तो हम लोग एक छोटा सा यूनिट काम में लेंगे, जो कि हमारा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका यूनिट क्या होगा फाई का? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फाई के बारे में हम बात करते हैं अलग से, छोटे छोटे पॉइंट्स। फाई नॉट, वाई नॉट नहीं है, फाई नॉट है, ठीक है। एक तो ये क्या होनी चाहिए? मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी। सेकेंड पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन मेटल एंड मेटल सरफेस, ठीक है। यानी कि जो मेटल काम में लोगे उस पर डिपेंड करती हैं, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। और दूसरी, न्यूमेरिकल के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेरिमेंट में फाई नॉट सेम मानते हैं, सेम मानेंगे मानेंगे जब तक कि अलग मेटल ना बोल दे। जब तक क्वेश्चन में अलग मेटल का नाम नहीं लेगा, दो अलग अलग मेटल का नाम नहीं लेगा, तब तक हम लोग फाई को सेम ही मानेंगे क्वेश्चन में। कभी कभी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर ये कंसेप्ट बहुत काम आता है। तो हम लोग फाई को क्या मानेंगे? सेम ही मानेंगे, ठीक है। तो फाई की वैल्यूज़ हैं जो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती हैं। और तो हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं एक और, कि फाई लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लाइट की इंटेंसिटी पे पे डिपेंड नहीं करता। फाई डजेंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फाई की वैल्यूज़ हैं जो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो फाई की वैल्यूज़ अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती हैं। आप देखते हो कि सीजियम के लिए कितनी होती है? मिनिमम होती है। तो ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है कि सीजियम के लिए ये वैल्यू मिनिमम होती है। और देखिए लिखा है सीजियम के लिए मिनिमम होती है और प्लेटिनम के लिए मैक्सिमम होती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा है। ओके, ये वाला पॉइंट भी, फाई मिनिमम किसके लिए? सीजियम के लिए। कितनी थी बता दिया हम आपको, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई मैक्सिमम किसके लिए? प्लेटिनम के लिए। कितनी थी? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फाई की वैल्यूज थी। अब फाई क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी क्या थी? एच न्यू। तो ये भी हो जाएगी एच न्यू नॉट। ये फाई नॉट है तो ये न्यू नॉट हो गया। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाना चाहिए एसटी में, ठीक है। अब न्यू नॉट क्या हो गया? ये हैं फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कैसी है फ्रीक्वेंसी? मिनिमम है भाई, ये मिनिमम। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी कैसा होना चाहिए? मिनिमम। ये बात नीट में दो बार और एम्स में दो बार, दो या तीन बार पूछ चुका है, और जिपमर वगैरह में तो पूछता ही रहता है कि फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। आप इस पर इतने स्टार लगा लो कि ये रात बन जाए, ठीक है। तो इतने सारे स्टार लग जाने चाहिए। कैसी है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी भी कैसी है? मिनिमम है। तो ये हो गया फॉर्मूला। इस पर क्वेश्चन भी डायरेक्ट बहुत आते हैं, ईजी ईजी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नेक्स्ट आता है फाइव प्लस टू एस सी बाई लेमडा नॉट। अब ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कम होगा तो ये कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, तो लैम्डा क्या होगा? फाई नॉट, न्यू नॉट को हम लोगों ने क्या बोला? थर्ड सोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने लिखा नहीं ना, लिख देता हूँ, थर्ड सोल्ड सोल्ड फ्रीक्वेंसी।
डेफिनेशन क्या जाएगी, एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिससे पहले इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता, उससे ज़्यादा पे हो सकता है, कम पे नहीं होगा, तो इतनी मिनिमम चाहिए। और लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा नॉट हो गया ये भाई, ये मिनिमम, तो ये इसका उल्टा है, तो उल्टा है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ। और इस मैक्सिमम वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड सोर्ट वेवलेंथ, थर्ड सोर्ट वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे ज़्यादा पर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, मतलब इससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ कर ली तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो पाएंगे। तो इस मैक्सिमम को, ये तो आ गया मैक्सिमम और ये आ गया मिनिमम। तो लैम्डा कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया, और फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई, मिनिमम। और न्यूमेरिकल के लिए 1 × 10^4 अपॉन लैम्डा नॉट को किस में लेंगे, एंगस्ट्रम में लेंगे, और इसका आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये भी आपके तीनों फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स में आ जाने चाहिए। ओके, तो अपनी फाइनली इक्वेशन क्या बन गई, एनर्जी जो आई थी एच न्यू, यही था ना, आने वाली एनर्जी के दो यूज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को जगाने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन को भगाने में। तो ई को क्या लिखता हूँ, एच न्यू, तो ये क्या हो जाएगी, एच न्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, को काइनेटिक एनर्जी रहने दो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको इस साइड सेंड करता हूँ मैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वस टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, इक्वस टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए यूज आएगा। अब आपको इसमें कर्व प्लॉट करना होता है, तो बेसिक मैथ का जो अगला लेक्चर आएगा अपना, उसमें मैंने आपको ये सिखाया है कि कैसे कर्व प्लॉट किया जाए, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को बताया आपको, इसलिए मैं अभी आपको, अभी आप इस पर थोड़ा कम ध्यान देना, कोई नहीं चलेगा, कि के मैक्सिमम इक्वल टू आपका क्या आया है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको अगर हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो ये वाई, काइनेटिक एनर्जी वाई, वाई एक्सिस पे लेंगे इसको, और एम यानी कि स्लोप, और एक्स की जगह क्या, न्यू, और ये क्या हो गया पूरा सी हो गया। तो हमारा जो कर्व बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने बेसिक मैथ में इसको कंपेयर किया है, आपको समझ में आ जाएगी शायद ही कंसेप्ट, ये बाद में कल आ जाएगा लेक्चर। तो इसका स्लोप जो है वो इसके ऊपर आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो स्लोप तो इसका पॉजिटिव है जब, और ये क्या है, सी क्या है, नेगेटिव है, सी नेगेटिव का मतलब है सी इंटरसेप्ट, और वो नीचे आ गया, नेगेटिव का मतलब ये वाई एक्स होता है, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई होता है, तो ये नीचे आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और स्लोप पॉजिटिव है मतलब ऊपर जाएगा लाइन, स्लोप पॉजिटिव का मतलब होता है लाइन ऊपर जाएगा, और सी नेगेटिव का मतलब होता है कि ये यहाँ पर आता है। ये बात हम लोगों ने बेसिक मैथ में डिस्कस की है बहुत अच्छे से, पूरा लेक्चर एक इसी इक्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसका जो ये यहाँ पर बनेगा थीटा, तो जो इसकी स्लोप आएगी, मतलब इसकी ढाल आएगी, ढलान आएगी, वो एम क्या होगी, एच होगी, एच एच के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी को लिया है, और यहाँ पर क्या लिया है, न्यू पे लिया है, और ये जो वैल्यू आएगी कट ऑफ, ये कटने वाली, ये मिनिमम वैल्यू है, इससे पहले इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यू नॉट। ये कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्लोप किसकी क्या होगी, एच, एच की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻³। क्या किसी मेटल पे डिपेंड करती है, मेटल पे नहीं करती है। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो, ये होता है क्या क्वेश्चन आएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेज फ्रिक्वेंसी में कर्व प्लॉट किया गया, तो उसकी स्लोप किस पे डिपेंड करेगी, कोई कहेगा मेटल, कोई कहेगा कुछ, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगी हमेशा, याद रखना इस बात को। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, करीब हम लोग एक चैप्टर में 150 से 100 to 150 से क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ होती रहे अच्छे से, ठीक है। तो ये प्लैंक कांस्टेंट 6.67 × 10⁻³ होता है इसकी स्लोप, ठीक है। इसका इंटरसेप्ट क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये वैल्यू आपको देती है एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट का मतलब क्या होता है, फाई, फाई इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये इसका होता है। अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, थ्योरी का पहला लेक्चर थोड़ा थ्योरी पे है तो बोर लग रहा होगा, लेकिन अगले पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन नहीं। फिर नेक्स्ट आता है अपनी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वी मैक्सिमम, जब वी मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि एम तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, और या फिर काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं ई वी नॉट। वी नॉट क्या है, ये एक तरह का कट ऑफ वोल्टेज है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वी नॉट क्या है, कट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज,
तो वी नॉट है आपका कट ऑफ वोल्टेज, तो ये आपके लिए रहेगा थोड़ा। अब हम बात करते हैं, ये याद रखना। तो अब लेते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी जो आपकी है, फाई के बारे में हम लोगों ने सारी बातें डिस्कस कर ली थी, और अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी है वो मैक्सिमम जो होती है वो होती है ई वी नॉट, और जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है वो ऑलवेज जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऑलवेज, छोटा सा। कभी कभी आपके क्वेश्चन में आएगा, बहुत सारी वैल्यू दे देगा और बोलेगा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम फाइंड करो, तो आप हमेशा क्या कहोगे? काइनेटिक एनर्जी तो मिनिमम हमेशा क्या होती है? जीरो ही होती है। याद रखना इस बात को। तो ये शॉर्ट नोट्स में आ जाना चाहिए, ये चार, ये वाले एस टी में। ये तो आपको पता होता फॉर्मूला, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा जो फॉर्मूले आपको पता होते हैं। तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और अगला एक पॉइंट लिखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड वी नॉट डजेंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके तो आने वाले एनर्जी के दो यूज हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन को जगाने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन को भगाने में। तो ई को मैं लिख देता हूँ एच न्यू, फाई को क्या लिख देता हूँ मैं एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को अपनी बार क्या लिख देता हूँ ई वी नॉट। ठीक है, ई वी नॉट लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ इसको इस साइड सेंड कर देता हूँ। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, आपको ये सारे डेरिवेशन नहीं पता करने, लास्ट में इक्वेशन जो बॉक्स में बंद करता हूँ, जैसे ये बॉक्स में बंद की थी ये याद होनी चाहिए आपको। और यहाँ पर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू ई वी नॉट, ई को यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, तो यह मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगी। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई इक्वल टू वी नॉट, या फिर वी नॉट को इस साइड और इसको इस साइड करूँ तो वी नॉट इक्वल टू एच न्यू, ये इसके भी नीचे चला जाएगा, इसके भी नीचे चला जाएगा, माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो ये फिर से वही आ गया आपका, ये वाई, ये एम, ये एक्स, और ये पूरा सी। फिर से वही इक्वेशन आ गई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब की बार कर्व कैसा बनेगा? अगेन स्लोप पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कर्व ऐसा ही बनेगा भाई। सी इंटरसेप्ट क्या है आपका? नेगेटिव है। सी इंटरसेप्ट जब भी नेगेटिव होता है तो वाई एक्सिस पे आपको इसको नीचे लेते हो, और स्लोप क्या है? पॉजिटिव, इसका आगे प्लस का ना है, साइन है। तो ये इक्वेशन कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। और ये क्या है फिर से? यहाँ पर आप क्या ले रहे हो अबकी बार? वाई पे वी नॉट ले रहे, तो वी नॉट वर्सेज किसका कर्व है? फ्रिक्वेंसी का। एक्स जो एक्स पे आता है वही कर्व होता है, तो फ्रिक्वेंसी का कर्व है। ये कर्व आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एस टी में आना चाहिए दोनों कर्व। तो इसकी जो स्लोप होगी वो स्लोप क्या है अब? एच अपॉन ई। यहाँ पर क्या है फिर से अभी न्यू नॉट ये, और ये वैल्यू जो है वो क्या है? एच न्यू नॉट अपॉन ई, न कि फाई ये। ठीक है ना? तो इस पे क्वेश्चन बहुत आएंगे, ऐसे कर्व आएंगे जिसकी स्लोप दे रखी होगी और आप हमें प्लैंक कांस्टेंट वगैरह का वैल्यू निकालना होता है। तो आने वाली एनर्जी के दो यूज हुए, एक इलेक्ट्रॉन को जगाने में, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भगाने में। हम लोगों ने एनर्जी ई की बात कर ली, ई के सारे टर्म देख लिए, फिर फाई के टर्म देख लिए सारे, फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म देख लिए। ओके अब हम आते हैं कि एनर्जी जब हम इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल सरफेस पे डालते हैं, सपोज करो, तो उसकी एनर्जी आती है, कभी कभी एनर्जी ना देके उसकी पावर दे देते हैं, कभी इंटेंसिटी दे देते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे या कितने फोटोन इमिट होंगे उनके बारे में पूछता है। ठीक है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं एन, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 5 × 10^24 पी गुने लैम्डा। अब आपको कभी लैम्डा दे देगा, कभी इंटेंसिटी दे देगा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस टी का मतलब शॉर्ट नोट्स में आ जाना चाहिए। ठीक है, और एक आपको एक और फॉर्मूला, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन, या फिर आप न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये भी याद, बहुत सारे बच्चों को ऐसे याद होता है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो वही सेम फॉर्मूला है, मैं इसको याद करता हूँ सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाना चाहिए, आपके एस टी में आ जाना चाहिए। और बाकी सारी थ्योरी आप नोट कर रहे हो, ठीक है ना? फिर मुझे दोष मत देना कि आप मेरे को समझ में नहीं आया, क्वेश्चन मैं सारे कराऊंगा, 150 कराऊंगा मॉडर्न के, तो हर चैप्टर के 150 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा अपने को? द थर्ड सोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम करस्पॉन्ड वेवलेंथ ऑफ 500 एंगस्ट्रॉम, इट इज़ वर्क फंक्शन।
तो पहले आपको ढंग से पूछो, पूछा क्या है, फाइव पूछा है, दिया क्या है, लेमडा दिया है, ऐसे लिखा करो। किस में दिया है, यूनिट साथ में लिखवाएंगे स्टम में। और फाई का वैल्यू किस में फाइंड करना है, यूनिट देखो जूल में फाइंड करना है, ठीक है। तो फाई का फॉर्मूला लेमडा के टर्म में निकलना पड़ेगा आपको, तो फाई इक्वल होता है 1 2 का 4, न्यूमेरिकल के लिए 1 2 का 4 00 अपॉन लेमडा, किस में, एंगस्टम में, तो एंगस्टम में दिया है। वो किस में आएगा आंसर आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये लेकिन यहाँ जूल में चाहिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करो, फिर उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 2 4 00 अपॉन 500। अब ये एंगस्टम में ही है, तो एंगस्टम की वैल्यू नहीं रखनी अपने को, 00 से 00 गया, 1 2 4 अपॉन 5, तो ये कितना होगा, पहले 2 टाइम जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो फिर बचेगा कितना, 24। 24 में कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, और फिर कितना बचेगा, 4। तो इसको अप्रोक्सली हम लोग 2.5 लिख सकते हैं ना, है ना, 2.50 कर सकते हैं, 48 को 50 करके 2.5 लिख सकते हैं इसको। ओके, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू देखी थी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना था, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल था। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 × 1.67 × 10⁻¹⁹। इतना अप्रोक्स लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करते रहें, इसको 16 मान लो, इसको 25 मान लो, तो 25 मान, फिर पॉइंट बाद में लगा लेंगे। तो ये 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और 25 × 6 150, 15 अलग हो गए साइड में, 25 × 1 25 + 15 40 × 10⁻¹⁹, ऐसे कैसे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शायद पावर में कुछ गड़बड़ी की गई है क्वेश्चन को लिखते टाइम, तो यहाँ पर ये जो है, हाँ पावर कोई गड़बड़ी नहीं है, पॉइंट अभी अपने को सेट करना है। तो पहले कितना पॉइंट था, लेफ्ट साइड से देखना, पॉइंट कहाँ से देखना है, लेफ्ट साइड से, इस साइड से जो भी आपको दिख रहा है, राइट लेफ्ट, तो एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो 4.00 × 10⁻¹⁹, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, थर्मियंस क्या है, थर्मियंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आगे इसको डिस्कस किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा सारे चीज़ें आपको डिस्कस हो जाएगी एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी है, 5 चीज़ें पूछी, तो इसमें 5 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लेमडा दिया अपने को आने वाली लाइट में, ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक लाइट आ रही है मेटल सरफेस के ऊपर, उसका वेवलेंथ लेमडा है जो कि 200 नैनोमीटर है, और इस मेटल का वर्क फंक्शन है 5 = 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, तो अपने को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करनी है, कट ऑफ वोल्टेज, ये क्या है, कट ऑफ वोल्टेज फाइंड करना है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करनी है, और ये फाइंड करना है अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी, ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या फाइंड करना है अपने को, लेमडा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी, अपने पास एक ही इक्वेशन है कि एनर्जी आने वाली है, उसके 2 यूजेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जगाने में, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भगाने में। तो एनर्जी आएगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 2 का 4 00 अपॉन लेमडा एंगस्ट्रम में, और प्लस इक्वल्स टू 5, 5 की वैल्यू कितनी दी है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये भी आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आना अपना, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब देखो लेमडा एंगस्ट्रम में नहीं दिया है, तो क्या दिया है, 200 नैनोमीटर दिया है, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻¹⁹, -9 एंगस्ट्रम में कितना होता है, 10⁻¹⁰ होता है, तो यहाँ पर -10 करना है, तो -10 करता है, करना है, -10 का मतलब होता है यहाँ पर एक, मतलब माइनस में अगर वैल्यू बढ़ानी है तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ाओगे आप, तो ये क्या कर दोगे, 2000 × 10⁻¹⁰, समझे, 1 0 ये और 1 0 ये, फिर से कट कट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 200 × 10⁻¹⁹, है ना, तो ये हो गया 2000 एंगस्ट्रम, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 2 का 4 00 अपॉन 2000 एंगस्ट्रम, तो ये भी आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 4.2 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पर अब इसको साइड, इसमें इसको डिवाइड करते हैं, तो 00 से 00 गया ये, तो यह क्या, 1 2 4 अपॉन 20, तो ये 4 है ना, 0 यहाँ से हटा के यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं हम लोग, यानी कि 1 0 यहाँ से हटाया तो यहाँ पॉइंट लग जाता है ऊपर से, यानी कि 10 से डिवाइड कर लिया, तो और कोई फर्क नहीं पड़ा, ये याद रखना। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, इक्वल टू 4.2 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अब देखो 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 6.2, ये साइड 4.2
प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो गई, ये इस साइड प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 6.2 माइनस 4.2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 0.2 से 0.2 गया, और 6 माइनस 4 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जरूरी नहीं है हमें चाहिए, तो हमें किस में चाहिए आंसर, जूल में चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो ये आंसर है, जूल में पूछेगा तो हमें जूल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख देंगे 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 16 का डबल 32, और पॉइंट कितने के बाद है, एक नंबर के बाद में, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, × 10⁻¹⁹ जूल। तो अब जूल में पूछेगा तो जूल में आंसर है, और इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, हम 4 के ये हो गया। अब क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो मैंने आपको लिखाया था स्टार करा के कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होती है, जीरो होती है ऑलवेज, बोली कोई एक्सपेरिमेंट हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इसका, वी एस या वी नॉट एक ही बात होती है, ठीक है। तो वी एस की बात हम लोगों ने क्या की थी, इसके लिए फॉर्मूला याद करो, तो वो था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू ई वी नॉट। तो अब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कौन सी लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने आंसर आया था अपना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू ई वी नॉट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इलेक्ट्रॉन कट जाता है, फिर पीछे ई वी नॉट कितना रह गया, 2, ये और वी, वी का मतलब है वोल्ट, तो 2 वोल्ट कितना आ गया, 2 वोल्ट, वी नॉट की वैल्यू 2 वोल्ट। इस वी नॉट की बहुत लंबी बहुत अच्छी कहानी होती है, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कब इसको पॉजिटिव लेना कब नेगेटिव लेना अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोगों को मैंने ये ले लिया वी नॉट, कट ऑफ वोल्टेज पूछा था। उसके बाद में और आगे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका पार्ट 6 में पूछा अपने को लेमडा नॉट क्या होता है, थर्ड सोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, थर्ड सोल्ड वेवलेंथ क्या था, फाइव इक्वस टू एस सी बाई लेमडा नॉट, या फिर न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करें तो 5 × 1·2·4000 किस में आएगा अपना आंसर, एंगस्ट्रम में आएगा। और ये जो वैल्यू दी है वो किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू दी है कितनी, 4.2 रख दूँ मैं यहाँ पर, 4.2 इक्वल्स टू 1·2·4000 आना चाहिए अपना एंगस्ट्रम में। तो लेमडा नॉट को इस साइड और इसको इस साइड कर दें, तो लेमडा नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1·2·4000 × 4.2 किस में आएगा आंसर, एंगस्ट्रम में। तो ये पॉइंट नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 0, तो 1·2·4000 × 42, ठीक है। अब 42 को अप्रॉक्स हम लोग 40 मान सकते हैं, मान ले अगर वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है 4, तो लेमडा नॉट इक्वल टू कितना आ गया 3, यहाँ पर कितना हो गया अपना 1 0 एंगस्ट्रम। सॉरी 1·2·4 यहाँ ये एक और 0 है ना, देखो सॉरी इवेंट यहाँ से देखते हैं हम लोग, लेमडा नॉट इक्वल टू 1·2·4000 × 4.2, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा एक और 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ और फिर 42 को हम लोगों ने 40 मान लिया, तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 3100 एंगस्ट्रम, ये आंसर आ जाएगा लेमडा नॉट का, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है, वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए। अब वेलोसिटी के लिए आप है ना कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ नहीं कर सकते, कभी वेलोसिटी को आपने वोल्ट में या ऐसा मेजर नहीं किया, आप जूल में मेजर में इसको मीटर पर सेकंड में मेजर करते हो, तो मीटर पर सेकंड के लिए आपको जूल चाहिए होता है। तो आप काइनेटिक एनर्जी का वो वैल्यू चाहिए जो आपको जूल में निकाली थी, कितनी थी, 3.2 × 10⁻¹⁹, तो आपने इसको लिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप यूज़ करोगे क्या चीज़, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू 1/2 m वेलोसिटी मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी आपकी, 3.2 × 10⁻¹⁹ जूल इक्वल्स टू 1/2 m की वैल्यू क्या लिखोगे, m इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, 9th n में सीख लिया था, यहाँ वीडियो में रखने की जरूरत नहीं थी मुझे, 10⁻³⁻ इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर। अब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा, 3.2 × 10⁻³⁹ इंटू 2 अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³⁹, ये आ जाएगा वी स्क्वायर। वेलोसिटी यहाँ से इसको हटाओगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 64 × 10⁻¹⁹। नीचे पावर नेगेटिव है तो ऊपर के आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 31 अपॉन 9.1 को मैं अप्रॉक्सीमेट कितना ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये मेरा आएगा 6.4 × 10⁻¹⁹, यहाँ पर देखो इसको 64 कर दूँ तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ जाती है, देखो 3.2 था, तो मैं इसको अगर 32 करूँगा वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ नेगेटिव में इंक्रीज़ होगी, तो 20 हो जाएगा, तो मैं इसको 64 कर दूँ और ये 20 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 64/9 इंटू 10^10। ये 20 कट जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 11। तो देखो इस 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64/9 इंटू 10 इंटू 10^10। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे अंडर रूट में वैल्यू चाहिए। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन आप करोगे प्रैक्टिस में तो समझ में आती जाएंगी चीज़ें। 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, 9 का अंडर रूट 3, और 10 का अंडर रूट कितना होता है 3.14। जो पाई की वैल्यू होती है वही होती है, याद रखना, रूट ऑफ 10। ये लिख लो पहले आप 100 एसटी करके, 3.14, ठीक है। और 10^10 ये 10 है, इसका अंडर रूट लेना है, इसका मतलब 10 का हाफ हो जाएगा 5। अंडर रूट का लेना है, जब भी आप पावर लेते हैं तो पावर हाफ हो जाती है अंडर रूट में, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 3 अप्रॉक्सीमेटली कट कर सकते हो, तो ये करीब ऐसा बच जाएगा 8.8 × 10^5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपना ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हज़ारों क्वेश्चन, आपको हज़ारों कैसे आ सकते हैं नीट में, मतलब 8-10 बार पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, तो ये अपने को द एनर्जी फ्लक्स सनलाइट रिएक्टिंग विद द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इतना, यानी एनर्जी फ्लक्स दिया है, इंटेंसिटी दिया है, एनर्जी फ्लक्स का मतलब इंटेंसिटी, आई इक्वल्स टू ये दिया है, या अगला दिया है हाउ मैनी फोटॉन्स नियरली पर सेकेंड। अब कितने फोटॉन्स पर सेकेंड आ रहे हैं, यानी कि एन की वैल्यू पूछा आपने को, और लेमडा दिया है। तो अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है, फॉर्मूला यूज़ होता है एन के लिए 5×10^24 पी गुणे लेमडा, जो कि अपने वीडियो के थंबनेल में लिखा है, ठीक है। तो ये आ गया, अब आप इसकी वैल्यू रखोगे और सॉल्व करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, आप ढूंढ ढूंढ के कल जितने भी होते हैं सारे कर लेना। तो एन इक्वल कितना होगा 5×10^24, पावर कितना दिया आपने को 1. इसको 1.4 कर सकता हूँ क्या अप्रोक्सली, ओके कर लेता हूँ, आपने कहा और मैंने कर लिया, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर में था, तो ऐसा यूनिट है, ये क्या है लेमडा नैनोमीटर में, तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 550×10^-9 नैनोमीटर का मतलब, सॉल्व कर देते हैं, 5×14 कितना होता है 17, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 14×5 17, पॉइंट एक नंबर के बाद में था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा लो तो 7 बन गया, इंटू 10^4 को ऐड करते जाओ 24+ कितना हो गया 3, 27, 27 − 9, 27 में से 9 माइनस किया तो 10^4 कितना बच गया 18, ठीक है। अब इंटू 550, तो 7×550 करते हैं, ये 7.0 यानी कि 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो 0, फिर 7×5 = 35, 7×5 = 35, 35 × 3 और ये 38 इंटू 10^18, और ये कितने हो जाएंगे अब, यहाँ पॉइंट लगाना, फिजिक्स ये कहता है एक नंबर के बाद पॉइंट लगा बेटा, 3.850। अब यहाँ पर आपने कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाया, 3.3 नंबर के बाद में, तो यहाँ पावर आप 3 से बढ़ा दोगे तो 21, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आपके निकलेंगे। ये फॉर्मूला जो था, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, उसी फॉर्मूला के बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ये। तो हम लोग सारे सिंगल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपके साथ में, बहुत अच्छे, मतलब 200 के करीब क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे हम लोग। तो ये इसका आंसर आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ढूंढ ढूंढ के सारे करना है जो मैंने अभी आपको करवाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपने जो आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, ओनली क्या होंगे, सारे के सारे। और बुक आप कोई भी रेफर कर सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो, किसी क्लास का मॉड्यूल ले सकते हो, कोई बुक ले सकते हो, मेरे पढ़ाने के बाद में आपके क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो मैं आपके काम का नहीं हूँ, छोड़ सकते हो आप, इतना मैं कह रहा हूँ आपको। और मैं आपको फील दिला दूंगा, आप जब एक चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आपको ये फील आ जाएगा कि फिजिक्स हार्ड नहीं था, हम लोग पढ़ने का तरीका अपना गलत था, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसी बात पे, इसी जोश पे, ये वाला 1.16 एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेज फ्रिक्वेंसी। अब आपको याद रहनी चाहिए इक्वेशन, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेज ये वाली जो इक्वेशन थी, कौन सी, एनर्जी के दो यूज थे, इलेक्ट्रॉन को जगाने में और इलेक्ट्रॉन को भगाने में, एस न्यू लिख दिया, इसको इसको लिख दिया, एच न्यू नॉट कर दिया, इसको कर दिया ई वी नॉट। अब मैं इसको इस साइड सेंड करता हूँ वी नॉट के फॉर्म में, तो वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और फिर इसको ई को डिवाइड कर देता हूँ। ये इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसकी इक्वेशन को हम लोगों ने ऐसे बनाया था, इसका कर्व, ये सारी चीज़ें तो अपने को एकदम फटाफट आनी चाहिए। और इसकी जो स्लोप होती है एम होती है, वो होती है एच अपॉन ई, क्या होती है एम एच अपॉन ई, इस कर्व की स्लोप क्या होगी, एच अपॉन ई होगी, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। तो ये यही तो बात कर रहा है ना कि इस कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज मतलब वी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो कर्व था उसकी स्लोप कितनी आई है, स्लोप का मतलब क्या हो गया इसकी क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन नंबर कितना हो गया अपना, मुझे नंबर लगाने में बहुत मज़ा आता है,
क्वेश्चन नंबर 9, तो इसकी स्लोप कितनी हो गई, स्लोप इसकी जो दी है वो दी है 4.12 × 10⁻¹⁵, 4.12 × 10⁻¹⁵, ये इसकी स्लोप दी है, ठीक है, स्लोप दी है −15, माइनस फिफ्टीन ये दिए। अपने को प्लैंक कांस्टेंट की कैलकुलेशन करनी है, ये सीधा ऐसे मत मार देना कि प्लैंक कांस्टेंट 6.67 × 10⁻³⁴ होता है, हो सकता है इसका आंसर यही आए, लेकिन एग्जामिनर इतना भोला नहीं होता कि आपको यही ऐसा ही दे दे सारा, ठीक है ना, तो इस बात का ख्याल रखना। तो इसकी स्लोप कितनी थी कर्व की, h/e आती है, ये आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए बात कि अगर हम लोग वी नॉट वर्सेज फ्रिक्वेंसी का कर्व प्लॉट करेंगे तो उसकी स्लोप h/e आएगी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेज फ्रिक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसकी स्लोप h आएगी, ये बातें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। तो h/e = 4.12 × 10⁻¹⁵, अब आपको क्या करना है, को इस साइड के मल्टीप्लाई में सेंड कर देता है, तो h = 4.12 × 10⁻¹⁵, e = 4.12 × 10⁻¹⁵, 1.6 × 10⁻¹⁹. मेरा बैटरी खत्म होने वाली इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, प्लीज़ ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 × 32, 16 × 16 = 3, 19, 16 × 64, 64 × 1 = 65, पॉइंट कितने के बाद लगाना है, एक नंबर ये और दो नंबर ये, तीन नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तीन नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 6.59, तो इसको मैं 6.6 कर दूंगा × 10⁻¹⁴, ये −15 और ये 19, कितने हो जाएंगे 34, तो ये कितना हो जाएगा 6.6, ऐसा भी तो करेक्ट वे ऑप्शन यही होगा 6.592 × 10⁻¹⁴, इस टाइप के क्वेश्चन के ऑप्शन भी ऐसे ही रहेंगे 6.5, 6.6 ऐसे, तो इसको हम लोग अप्रोक्सली क्या लिख सकते हैं 6.6 लिख सकते हैं × 10⁻¹⁴, तो ये भी अपना हो गया, ओके। सारे NCERT के क्वेश्चन करेंगे, NCERT एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे, एक देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ये रहा, अपने को पावर दिया है, वेवलेंथ दिया है और फोटोन का नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो 11 पर अपना आज क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गए, एक क्वेश्चन और करके 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन 10 करें अगर हम लोग, तो इसको देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ फोटोन फाइंड करने हैं, तो फोटोन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, n = 5×10⁴ बच्चों p×लेमडा, ठीक है, तो 5×10⁴ पी यानी कि पावर कितना दिया, 100 वोल्ट, 100, लेमडा कितना दिया है 589, इसको मैं 589 है तो इसको मैं कर सकता हूँ 590 कर सकता हूँ, है ना, 590 को इसको 600 भी कर सकते हैं, इतना भी अप्रोक्स ले सकते हैं मॉडर्न में, तो 600 नैनोमीटर, और नैनो का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁹, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर को देखो पहले, ये पॉजिटिव के 2, ये पॉजिटिव के 2, तो पॉजिटिव के 4, तो पॉजिटिव के 4 माइनस के 9 कितने हो गए, पॉजिटिव के 5, ठीक है, और ये 5×10⁴, ठीक है, −5 और ये प्लस के 24, तो कितने हो गए 10⁻⁴, ये हो गया आपके 19, और 6×5 कितने हो जाएंगे 30, तो 30×10⁹90, तो इसको करोगे तो 3×10⁹20, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये क्वेश्चन भी हो गए आपके। तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में हमारे सारे क्वेश्चन ही होंगे, 2-3 वीडियो तक करीब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो थैंक यू, आगे और देखिए। तो अब हम लोग इसकी NCERT देख लेते हैं, NCERT क्या बोलती हैं, देखिए बोल रहे हैं द मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज का क्या एक्सपेरिमेंट था, हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, एंड मैक्सवेल ने क्या था, मैक्सवेल ने क्या दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस, तो इन सब ने ये प्रूव कर दिया कि स्टेबलाइज कर दिया कि जो लाइट है उसकी वेव नेचर होती है, ठीक है ना, तो टुवार्ड्स द सेम पीरियड यानी कि उसी टाइम पर एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत में, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेस ऑफ लोअर प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू मैनी हिस्टोरिकल डिस्कवरीज, मतलब 19वीं सेंचुरी के लास्ट में जो गैसेस का जो ये जो ट्यूब थी ना, कैथोड रेज, एनोड रेज, उन पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चल रहे थे उसी टाइम पे जब ये सारी मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। द डिस्कवरी ऑफ एक्स रे बाई रॉन्डसन, तो एक ये पॉइंट मिल गया अपने को कि एक्स रे की डिस्कवरी किसने की, तो एक्स रे की डिस्कवरी की थी रॉन्डसन ने। अगर आप लोकल एग्जाम देते हो ना कोई नर्सिंग वगैरह के या कोई लोकल और ज़्यादा
जैसे BHU के, तो ऐसे आ जाता है क्वेश्चन। तो एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी? रॉन्डसन ने की थी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। तो एक पॉइंट ये मिल गया अपने को। और एक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये तो हर किसी को रहती है कि मैक्सवेल ने क्या दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन दी थी, वो हम लोग अलग चैप्टर में भी पढ़ते हैं। फिर कहता है वर इम्पोर्टेंट मिस माइल स्टोन्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो समझने के लिए जो जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एक्सरे का डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इट वॉज फाउंड दैट सफिशियंटली लो प्रेशर अबाउट ये मर्करी कॉलम इज डिस्चार्ज टुक प्लेस टू इलेक्ट्रॉन्स अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड द गैस डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, जो हमें ध्यान नहीं देना इस पर, ठीक है ना। अ फ्लोरेंस ग्लो अपीयर्ड द ग्लास अपोजिट कैथोड, मतलब क्या आप एक्सपेरिमेंट रहा होगा उसकी बात कर रहा है, नीट में नहीं पूछता ही। द कलर ऑफ ग्लोस एंड यहाँ तक ये रेडिएशन कम। नेक्स्ट आता है द कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड इन 1886 बाई विलियम क्रूक्स। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई कि कैथोड रेज किसके द्वारा डिस्कवर की गई, कैथोड रेज किसके द्वारा डिस्कवर की गई? विलियम क्रूक्स द्वारा। ओके, ईयर इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है जिनको मैं डार्क कर रहा हूँ। डिस्कवरी विलियम क्रूक्स सजेस्टेड द रेज कंसिस्टेड स्ट्रीम फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब जो कैथोड रेज थी उनकी क्या कैरेक्टर थे, पहले मैं बता दूँ कैथोड रे होती क्या है, इलेक्ट्रॉन का बीम होता है एक तरह का, एक तरह से मान सकते हो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर होते हैं वही कैथोड रे के कैरेक्टर होते हैं। अगर आपको कभी कैथोड रे का कैरेक्टर पे क्वेश्चन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर को ही मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, ठीक है। तो मूव इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कैसा मूव करता है? फास्ट मूव करता है, और कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। द ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे जे थॉमसन कन्फर्म दैट हाइपोथेसिस, और फिर उसको कन्फर्म भी कर लिया गया एक्सपेरिमेंट से, बाय अप्लाइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वही एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था। और फर्स्ट डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंटली द स्पीड ऑफ स्पीड एंड स्पेसिफिक चार्ज ई बाई एम रेशियो कैथोड रे, और फिर कैथोड रे का ई बाई एम रेशियो फाइंड किया गया। तो ई बाई एम रेशियो किसने फाइंड किया? जे जे थॉम्सन ने। ये भी आ गया ई बाई एम, जे जे थॉम्सन ई बाई एम रेशियो। ओके, नेक्स्ट आता है इसकी स्पीड कितनी होती है, जो कैथोड रेज होती है उनकी, उनकी स्पीड दे रखी है इन लोगों ने। ये लाइट की स्पीड होती है, आपको पता है लाइट की स्पीड की 0.2 या इतना, इतने टाइम्स, इतने गुना है ना, तो लाइट की स्पीड से इनकी कम होती है, फिर भी बहुत ज़्यादा होती है। और ई बाई एम की वैल्यू आपको जो याद करनी है, बहुत बार डायरेक्ट पूछ लेंगे ई बाई एम की वैल्यू, इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। ऐसा नहीं बोलेगा कि ई बाई एम की वैल्यू बताओ, बोलेगा स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू बताओ। तो 1.76 × 10^11 कूलम पर के जी, ठीक है। फर्दर वैल्यू ई बाई एम वॉज फाउंड बाई नेचर ऑफ मटेरियल एंड मेटल यूज इन द कैथोड रेज इंट्रोड्यूसिंग द डिस्चार्ज ट्यूब। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, ई बाई एम, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन जो ट्यूब लेंगे उस पर डिपेंड करेगा क्या? क्या गैस लेंगे उस पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये इनडिपेंडेंट था किससे, देखिए ये वाला लिखा है, इनडिपेंडेंट था नेचर ऑफ मटेरियल एंड मेटल यूज इन कैथोड रे, और गैस कौन सी ली थी, उन सबसे ये उन सब पे डिपेंड नहीं कर रहा था। क्या डिपेंड नहीं कर रहा था? ई बाई एम का रेशियो। क्यों नहीं डिपेंड कर रहा था? सीधी सी बात है, ई बाई एम हमेशा यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, तो उनका डिवाइडेशन भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अराउंड द सेम टाइम, उसी टाइम पे और चेक और क्या चल रहा था, फाउंड द सर्टेन मेटल्स व्हेन इरिटेड बाय अल्ट्रा वायलेट राइट। अब आती है फोटो इलेक्ट्रिक की बात, कि उस टाइम हर्ट्ज की बात है, तो हर्ट्ज ने क्या किया, एक मेटल लिया उसके ऊपर में अल्ट्रा वायलेट रेज डाली। ये हर्ट्ज ने नहीं किया होगा, किसी और ने भी किया होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम अल्ट्रा वायलेट रेज डाली। तो देखो मॉडर्न फिजिक्स कब की बात है, 1887 की, तो मॉडर्न ज़्यादा नहीं हुई ना। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इरिटेट बाई द, जब ये मेटल के ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली तो उन लोगों ने देखा कि नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल रहे थे वहाँ से, ठीक है ना। और उन पार्टिकल्स की वही प्रॉपर्टीज़ थी जो कैथोड रेज की, कैथोड रेज में पार्टिकल थे उनकी थी, मतलब ये पार्टिकल जो मेटल सरफेस से निकल रहे थे वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे, तभी तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम आएगी, है ना। अराउंड द सेम टाइम ये हुआ चार्ज पार्टिकल्स, द वैल्यू ऑफ ई बाई एम दोज पार्टिकल्स फाउंड बी द सेम, और उनके ई बाई एम की वैल्यू भी सेम थी, ई बाई एम की वैल्यू सेम थी और नेचर सेम था, तो इसका मतलब दोनों में पार्टिकल्स है, में कैथोड रेज में जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो, और यहाँ पर मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं जब हम लोग यूवी ले राइज यूवी लाइट डाल रहे हैं तब, तो दोनों पार्टिकल्स है में, और दोनों पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन है, अब हम जानते भी हैं। स्टेबलाइज्ड दैट द पार्टिकल्स ऑल द प्रोड्यूस्ड कंडीशंस वर आइडेंटिकल इन नेचर, यानी कि सारी की सारी कंडीशंस किसकी?
एक तो कैथोड रे की, और इस एक इस पार्टिकल्स की जो किसी मेटल सरफेस पे अल्ट्रावायलेट लाइट डालने पर जो पार्टिकल्स निकल रहे थे नेगेटिव चार्ज, उन दोनों की नेचर थी ना वो सेम थी, इसलिए कह दिया कि दोनों पार्टिकल सेम है, ठीक है। और जे जे थॉम्सन ने उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का नोमेन कल्चर किसने किया? जे जे थॉम्सन ने किया। इलेक्ट्रॉन का नोमेन कल्चर जे जे थॉम्सन ने किया, ठीक है। और उसने ये भी सजेस्ट कर दिया कि ये फंडामेंटल है, यूनिवर्सल है मैटर का, यानी कि मेटल के सभी मेटल में ये मिल, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहेगा, मिलेगा ही मिलेगा। जैसे सब्ज़ी है तो सब्ज़ी में नमक और मिर्च, कोई भी सब्ज़ी हो मिलेगा ही मिलेगा, वैसे ये फंडामेंटल है मटेरियल का, तो मैटर का, मटेरियल मटेरियल या मैटर का, तो हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये बात किसने कही? जे जे थॉम्सन ने कही, फंडामेंटल है यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। फॉर एपोच मेकिंग डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन थ्रू हिज थियोरटिकल एक्सपेरिमेंटिकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई गैसेस, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन गैस के और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे यही प्रूव कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन है। ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइजेस, और जे जे थॉम्सन को क्या मिल गया? नोबल प्राइज मिल गया, जो कि फिजिक्स का बहुत बड़ा प्राइज होता है साइंस का। द अमेरिकन फिजिस्ट आर ए मिलिगन, अब आता नाम मिलिगन का, मिलिगन ने किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट आ गई, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया? मिलिगन ने किया, ठीक है। तो मिलिगन ने किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उससे क्या पता लगा? उससे पता लगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। पहले इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम हमें पता था, ठीक है ना, तो अब ई बाई एम से यूज़ करते हुए उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल दिया, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि क्वांटाइज्ड होता है, मतलब चार्ज हमेशा इसका मल्टीपल होगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है क्या होता है, मिलिगन ने एक्सपेरिमेंट से एक तो चार्ज की वैल्यू निकाली, और क्या कहा कि चार्ज है जो क्वांटाइज्ड है, यानी कि एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर 12th पढ़ी है तो देखा होगा, क्यू इक्वल टू एन ई, ये वाला, कि कोई भी किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा भाई, इसके 1/2 1/3 नहीं होगा। एन क्या है? एन की वैल्यू 1, 2, 3 होती है, ऐसे चलती रहती है। तो ये किसने स्टेबलाइज किया? ये मिलिकन ने स्टेबलाइज किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन इमिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकाला जाए मेटल की सरफेस से। वी नो दैट द मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जैसे हम लोगों ने देखा था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखे तो 1s² 2s² 2p6 3s1। तो ये जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है जो टाइटली बॉन्डेड होते हैं थोड़े, और ये जो बाहर आउटर मोस्ट होता है, बाहरी सब सेल होता है, वो होते हैं लूज, पर इतने भी लूज नहीं होते कि अपने आप गिर जाए, ठीक है। तो और दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। अब किसी में मेटल में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें करंट के कंडक्शन के लिए, कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। दे हाउ एवर दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट नॉर्मली स्केप आउट द मेटल सर्फेस, मैंने बताया ना कि मेटल सर्फेस से नॉर्मली इतने भी लूज नहीं होते कि मेटल सर्फेस से अपने आप बाहर निकल जाए। इफ एन इलेक्ट्रॉन अटैम्प्ट ऑफ कम आउट द मेटल, यदि ये अपने आप बाहर आना चाहिए तो क्या होगा? द मेटल सर्फेस एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड द पुल्स बैक इलेक्ट्रॉन मेटल्स, यानी कि सपोज अगर ये मेटल की सर्फेस है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलना चाहेगा तो यहाँ पर कोई ना कोई इस साइड पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, या फिर इस मेटल का न्यूक्लियस होगा, जो मेटल में बहुत सारे एटम होंगे उनके न्यूक्लियस होंगे, वो इसको बांध रखेगा, बाहर अपने आप नहीं जाने देगा। तो देखा ना, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज द इफ एन इलेक्ट्रॉन अटैम्प्ट टू कम आउट द मेटल, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप मेटल से बाहर निकलना चाहे भी, तो द सर्फेस ऑफ मेटल एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एंड पुल्स द इलेक्ट्रॉन बैक, और अपने आप इलेक्ट्रॉन को दोबारा वापस खींचने जाएगा। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज थस हेल्ड इन साइड द मेटल, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। कंसिक्वेंसली द इलेक्ट्रॉन कैन बैक टू मेटल, और मेटल के अंदर चले जाते हैं सर्फेस बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ आयन्स। द इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट देयर मेटल सर्फेस ओनली गॉट सफिशियंट एनर्जी, अगर हम मेटल को मेटल सर्फेस पे सफिशियंट एनर्जी लाएंगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इस एनर्जी को हम लोगों ने क्या कहा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसको मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी एनर्जी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएंगे, और उस मिनिमम एनर्जी को हम लोगों ने क्या कहा था? वर्क फंक्शन कहा था, ठीक है। तो सफिशियंट एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव पुल, उस जो अट्रैक्टिव पुल है सरफेस का, उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। और उस मेटल सरफेस को द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन द मेटल, यानी कि उस वर्क मेटल का वर्क फंक्शन कहलाएगा वो, जो कि मिनिमम एनर्जी होगी। तो एनर्जी कैसी है? मिनिमम है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, वर्क फंक्शन कहेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2-3 स्टार लगा लीजिए, मिनिमम एनर्जी, एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम, डेफिनेशन में ऐसा आ जाएगा मैक्सिमम
मिनिमम। तो जब एनर्जी मिनिमम है तो एनर्जी आपको पता है क्या होती है, ई इक्वस टू एच न्यू, ई इक्वस टू एच न्यू। जब आप एनर्जी को मैक्सिमम कह रहे हो, इसको मैं एक जगह फाई लिख दूँ क्योंकि हम लोग एनर्जी को यहाँ पर फाई कह रहे हैं फंक्शन को, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। तो जब फाई फिर मिनिमम होगा तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो फ्रिक्वेंसी कैसे होनी चाहिए, मिनिमम। ये नीट में 2 बार पूछा गया है और 3 बार एम्स में, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो, ठीक है। इट इज़ जनरेटेड और किसे डिनोट करते हैं, 5 नॉट से, और इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये है क्या, एक तरह की एनर्जी है। तो एनर्जी है तो एनर्जी का आपको यूनिट एंड डायमेंशन पता होना चाहिए डायरेक्टली, ये नहीं है अभी याद कर लो। एनर्जी का किसी भी टाइप की एनर्जी हो तो उसका फॉर्मूला होता है ML2T-2, बहुत जगह काम आएगा, डायरेक्ट लर्न करना है, ठीक है। और यूनिट देखोगे तो M फॉर किलोग्राम्स, L फॉर लीटर, या मीटर का मतलब डिस्टेंस का है तो मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड -2, इसी को हम लोग 1 जूल बोलते हैं। और ये बात आ गई बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी दे दी है जो कि आपको याद होनी चाहिए, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, ठीक है, NCERT में दे रखी है। और फाई है, फाई किस पे डिपेंड करता है, वो बड़ी बात है, मैंने आपको बताया था फाई क्या है, मेटल का करेक्टर है। तो फाई डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस, यानी कि फाई आने वाली लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो एक नोट बना के लिख लीजिए जो बहुत काम आने वाला है, फाई एंड आपका जो वो होता है कट ऑफ वोल्टेज एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये तीनों चीज़ें लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। क्या लाइन लिखोगे आप, अच्छे से लिख लो कि फाई वी नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आने वाली लाइट की इंटेंसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वर्क फंक्शन अलग टेबल दे रखी है अपने को, उस टेबल में अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन दिया गया है। अब ये वाली बात है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें रट लेनी है, मिनिमम वर्क फंक्शन किसका होता है, वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए, अच्छी मेटल के लिए क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन कम होना चाहिए, कम होगी एनर्जी तभी हम कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएंगे आराम से। तो प्लेटिनम के लिए क्या है, हाईएस्ट है, प्लेटिनम के लिए हाईएस्ट, और कितना है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतनी ज़्यादा है मैक्स, पूरी आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में इसी का ज़्यादा मिलेगा मेटल्स में, 5.65। और लोएस्ट किसके लिए है, लोएस्ट है सीजियम के लिए, ठीक है, सीजियम के लिए कितना है, 2.14 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए, पूरी टेबल बाकी याद नहीं करनी है लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह की मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी। देखो एक चीज़ लिखते हैं, एनर्जी यानी कि फाई क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो हम लोगों ने कहा कि फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है तो एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो अब लेमडा की बात करें तो आपको पता है एनर्जी क्या होती है, ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। जब एनर्जी मिनिमम होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो लेमडा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप स्टार लगा के लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये आपकी आती है टेबल जिसमें आपको सीजियम का याद करना है 2.4, और सबसे ज़्यादा आपका है प्लेटिनम का 5.65। इनकी बाकी वैल्यू आप देख सकते हो। तो अच्छी मेटल्स कौन सी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, ये जिनके एनर्जी कम है वो अच्छी मेटल्स हैं। तो अच्छी मेटल्स का एक बार देख लेना, फर्स्ट ए और सेकेंड ए के मेटल्स हैं। आगे इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकाल सकते हैं हम लोग मेटल सरफेस से, तो 3 मेथड है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। पहला है थर्मोनिक इमिशन, अगर हम मेटल को इतना गर्म कर दें, इतना हीट दे दें उसको कि उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इतना टेम्परेचर लगे कि वो बाहर निकलने लग जाए, तो पहला मेथड क्या हो गया, थर्मोनिक इमिशन। और जो हीट करने पर जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम लोग, थर्मियॉन्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थर्मियॉन्स। ये नीट, अब ऐसा मत बोल देना पहले AIPMT था, 189 में, 189 में मतलब 1989 में पूछा गया है कि अगर हम लोग थर्मियॉन्स क्या होते हैं, तो थर्मियॉन्स क्या है, एक तरह के इलेक्ट्रॉन है जब हम मेटल को हीट करते हैं तो जो बाहर निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन। दूसरा है फील्ड इमिशन, इसमें आपको ये याद रखना कि थर्मियॉन्स क्या होते हैं और इससे इस मेथड से भी हम लोग इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा है फील्ड इमिशन, यानी कि अगर आप मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें
तो एक तरफ आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज होगा, तो उससे अट्रैक्ट हो गए पॉजिटिव चार्ज की तरफ, आएंगे इलेक्ट्रॉन और उनको बाहर निकाल देंगे हम लोग। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए 10⁸ वोल्ट पर मीटर। इस वैल्यू को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या स्पार्क प्लग लगाना पड़ेगा। और अगला तो अपना है ही, जो अपना चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, यानी कि हम लोग मेटल सरफेस पे एक लाइट डालेंगे सूटेबल फ्रिक्वेंसी की, और वो सूटेबल फ्रिक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम सूटेबल फ्रिक्वेंसी का लाइट डालेंगे जिससे कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे बाहर उनको बोला था हम लोगों ने थर्मियंस, यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको डेफिनेशन पता चली कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, थर्मियंस क्या है, ठीक है। पर इसके लिए ऐसा कोई वर्ड नहीं आता, इसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉन ही वर्ड आता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, और थर्मियंस क्या है, अगर हम लोग मेटल को हीट करें और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मियंस बोलेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।